हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि अपने आप लोग पपी की डिवॉर्मिंग कब करा सकते हैं और कैसे आप लोग करा सकते हैं, क्योंकि कई सारे डॉग ओनर को पता नहीं होता है कि अपने पपी की डिवॉर्मिंग हम कब कराएं। सारी शेड्यूल आप लोगों को मैं बताऊंगा, क्योंकि कई सारे डॉग ओनर हैं जिन्हें पता नहीं होता है कि डिवॉर्मिंग कैसे कराया जाता है और किस टाइम पर कराया जाता है, जिससे उनके नए पपी का डेथ भी हो जाता है। तो वो छोटे पपी होते हैं, अगर डिवॉर्मिंग टाइम पर ना किया जाए तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है पपी के लिए। तो चलिए मैं आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आप लोग डिवॉर्मिंग अपने पपी की कब करा सकते हैं वो बताने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि डिवॉर्मिंग है क्या। कई सारे लोग जानते हैं, कई सारे लोग नहीं भी जानते होंगे। डिवॉर्मिंग वो है जैसे आपके पपी या फिर आपके डॉग में वॉर्म्स यानी कि पेट के कीड़े हैं, तो उन्हें को मारना डिवॉर्मिंग कहा जाता है। और इसकी मेडिसिन चलती है जिससे कि पपी या फिर आपके डॉग के जो वॉर्म्स हैं उन्हें मारा जा सके। अब देखिए, कुछ डॉग ओनर हैं जो कि पपी की डिवॉर्मिंग कराना जरूरी समझते ही नहीं है, जिससे कई बार उनके पपी का आगे चल के डेथ भी हो जाता है। जैसे 1 मंथ का पपी है तो धीरे धीरे बड़े होगा तो आगे चल के उसकी डेथ भी हो सकती है, इसलिए डिवॉर्मिंग कराना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है पपीज़ की। और डिवॉर्मिंग के कई सारे बेनिफिट भी हैं। अगर आपका पपी छोटा है तो आप लोग जो भी जैसे सेरेलेक वगैरह फिर डॉग फूड स्टार्ट कर रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया से खाएगा भी और बढ़िया रहेगा आपके डॉग के हेल्थ के लिए। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों को अपने पपी की डिवॉर्मिंग फर्स्ट टाइम कब करानी चाहिए। अपने पपी की डिवॉर्मिंग आप लोग तब कराइएगा जब आपका पपी 15 दिन का है। जैसे न्यू बॉर्न पपी होते हैं जब छोटे होते हैं 15 दिन के, तभी आप लोगों को सबसे पहला डिवॉर्मिंग अपने पपी का कराना है, यानी कि जब वो आँख खोल दे रहा है उसी समय आप लोगों को पहली डिवॉर्मिंग अपने पपी की करा देना है। आप लोगों को पहली डिवॉर्मिंग ऐसे ही करानी है, और कई सारे लोग नहीं करा पाते जिससे कि उनके पपी का उन लोग बोलते हैं कि जल्दी जल्दी डेथ हो जाता है, जो भी पपी ला रहे हैं बार बार डेथ हो जा रहा है। तो सबसे बड़ा कारण है कि उन लोग डिवॉर्मिंग नहीं कराए हैं। तो डिवॉर्मिंग सबसे पहले आप लोगों को करा लेना है, जिससे क्या होगा कि जो कि आप लोगों का पपी मर जा रहा है लाने पर तो प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आप लोग 15 दिन पर डिवॉर्मिंग कर लिए, अब आगे आप लोगों को कैसे करना है आप लोग ये भी जान लीजिए। जब आप लोग पहली डिवॉर्मिंग अपने कर दिए है 15 दिन पर, फिर आप लोगों को हर 15 दिन से जब तक आपका पपी 3 महीने का नहीं हो जा रहा है तब तक हर 15 दिन से आप लोगों को डिवॉर्मिंग अपने पपी का कराना है। मतलब कि उसके पेट के कीड़े की जो दवा है आप लोगों को देते रहना है हर 15 दिन पे, हर 15 दिन पे, जब तक 3 महीने का नहीं हो जा रहा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कौन सी मेडिसिन हम अपने पपी को दें जो कि अच्छे से उसकी डिवॉर्मिंग हो सके, तो मैं आप लोगों को वीडियो में रेकमेंड नहीं करूँगा। आप लोग किसी भी डॉग के जो डॉक्टर हैं उनसे कंसल्ट करके और उसकी जो डिवॉर्मिंग की मेडिसिन है उनसे आप लोग बात करके अपने पपी को दीजिएगा। अब जो लोग पपी जैसे 1 महीने का खरीद कर रहे हैं या फिर 1.5 महीने का, तो उन्हें पता नहीं होता है कि डिवॉर्मिंग उसकी हो चुकी है या नहीं। तो आप लोग जब पपी लेने जा रहे हो तो उसके जो ऑनर है जिसे आप लोग खरीद रहे हैं, जैसे जिस डॉग ब्रीडर से आप लोग खरीद रहे हैं उससे पूछ लीजिए कि डिवॉर्मिंग हो चुकी है या नहीं। अगर हो गई है तो आप लोग उसी के हिसाब से जब वो बताएगा कि कब हुआ है तो उसके हिसाब से अगली डिवॉर्मिंग आप लोग कराइएगा। अगर वो बोलेगा नहीं हुई डिवॉर्मिंग तो आप लोग 1 महीने का जैसे आप लोग का पपी है तो पहली बार आप लोग दीजिएगा, फिर 15 दिन जब तक 3 महीने का नहीं हो जा रहा है तब तक आप लोग डिवॉर्मिंग करते रहिएगा। तो आप लोगों ने 3 महीने तक का करा दिया डिवॉर्मिंग, उसके बाद आप लोगों को 1-1 महीने से डिवॉर्मिंग कराना स्टार्ट कराना है उसे। जैसे कि 4th, 5th, 6th महीना तक आप लोग को 1-1 महीने का डिवॉर्मिंग स्टार्ट करना है। अब आप लोगों ने इतना डिवॉर्मिंग करा लिया, आगे आप लोगों को क्या करना है चलिए मैं आप लोगों को ये भी बताता हूँ। अगर आप लोगों का डॉग वेजिटेरियन है तो आप लोगों को हर 3 महीने से डिवॉर्मिंग उसका करना है, और अगर नॉन वेजिटेरियन है तो आप लोगों को हर 2 महीने से डिवॉर्मिंग उसका कराते रहना है, और ये आप लोगों को लाइफ टाइम डिवॉर्मिंग कराते रहना है, जिससे कि आपका डॉग काफ़ी हेल्दी रहेगा। अब डिवॉर्मिंग किस टाइम पर कराना है तो ये भी आप लोगों को मैं बताऊँगा, क्योंकि ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो डिवॉर्मिंग करने का काफ़ी अच्छा टाइम है जो कि है रात को सोते टाइम, जो आप लोगों का पपी मतलब या फिर डॉग खा करके और 1-2 घंटे के बाद आप लोग जब उसका पेट थोड़ा खाली है उस टाइम पे आप लोग रात को जब खाना खा ले उसके 2 घंटे बाद आप लोग डिवॉर्मिंग की मेडिसिन रात को आप लोग दे दीजिएगा,
जिससे कि क्या होगा, काफ़ी बेनिफिट रहता है और डिवॉर्मिंग की जो मेडिसिन है वो काम भी करेगा आपके डॉग के ऊपर। और बस दे करके आप लोगों को छोड़ देना है और उससे क्या होगा कि जो वॉर्म्स हैं पेट के कीड़े वो मरते रहेंगे। तो आज के वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया है कि अपने पपी की डिवॉर्मिंग आप लोग कब कराइएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपके पपी के लिए और उसके हेल्थ के लिए। तो डिवॉर्मिंग आप लोग ज़रूर कराइएगा अपने डॉग की। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।